लिंट फैक्ट्री में खराबी के बाद स्विट्जरलैंड के एक शहर में चॉकलेट स्नो दिखाई दिया। इस खराबी से कोको के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसे कोको निब कहा जाता है। तेज हवाओं और बारिश के कारण स्नोइंग चॉकलेट कारखाने के आसपास के क्षेत्र में फैलने लगा। स्विस शहर के निवासियों को उस समय असामान्य आश्चर्य हुआ जब उन्होंने ये स्नोइंग चॉकलेट का नजारा देखा। एक रिपोर्ट में कहा गया कि द लिंट एंड स्प्रिंगली कंपनी ने ज्यूरिख और बेसेल के बीच होल्टेन में अपने कारखाने के एक वेंटिलेशन सिस्टम में खराबी होने की स्थानीय रिपोर्टों की पुष्टि की। इस खराबी से कोको के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसे कोको निब कहा जाता है, और वे तेज हवाओं और बारिश के साथ कारखाने के तत्काल आसपास के क्षेत्र में फैलने लगा। यद्यपि खराबी की मरम्मत कर दी गई, लेकिन सोशल मीडिया पर साजी गई कई तस्वीरों में कारों और खिड़की के शीशे की सतह पर कोको पाउडर का एक पतला कोट दिखाई दिया। कारखाने ने बाद में उत्पादन फिर से शुरू किया और लोगों को आश्वासन दिया कि कोको धूल पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।